सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि आप में से 80% से भी ज़्यादा लोग हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ये अच्छा बात नहीं है। हेलो गाइस, सो व्हाट्सअप, एज यू कैन सी आई एम ऑल ड्रेस्ड अप फॉर पार्टी। आई थॉट ऑफ मेकिंग पार्टी आउटफिट फ्रॉम अपोलो मार्केट। द आउटफिट आई ऑलरेडी ऑन और ऑलरेडी एग्जिस्ट इन माई वॉर्डरोब फ्रॉम अपोलो मार्केट। सो दिस वीडियो विल बी फन एंड यू नो आई विल क्रिएट आउटफिट दैट आर अफोर्डेबल एंड यू कैन कैरी देम टू अ पार्टी। सो यार लेट्स गेट स्टार्टिंग। आई थॉट कि पहले मैं पूरा अपोलो जाके पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करके और हर पीस को लेते हुए वीडियो बनाओ, बट मैंने अपोलो का इससे पहले वीडियो बना चुका है जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मेरा फर्स्ट वीडियो जिसको 2.5K व्यूज़ अभी तक आज तक आ गए हैं एंड दैट्स सो कूल। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपोलो से रिलेटेड एक और वीडियो बनाऊँ और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वॉर्डरोब पीसेस से मैं कुछ लुक रिक्रिएट करूँ। सो फर्स्ट आउटफिट आई विल रिक्रिएट इज विद दिस स्कर्ट। इट्स kind of sequins skirt or sequin kind of material on a skirt. I bought this for my birthday in December. So and I wore it with one shoulder top and everyone thought that it's a one piece or something. So yeah, it was ₹4.50 from Desire, a shop named Desire in first floor basement ke thoda upar aake the right hand side pe wo shop. Kafi trendy outfits hote hain wahan pe top and all. मेनली वहाँ पे पार्टी आउटफिट ज़्यादा मिल जाएंगे आपको इस पर्सन और जो ये स्कर्ट पे वहीं से ली थी फॉर 550। I styled this sequins skirt with my boots and off shoulder top and I wore this golden earring, huge earrings. It gave me a cool and funny party look. नेक्स्ट आउटफिट इज दिस रेड प्लाजो पैंट जो मैंने सिर्फ 250 से लिया था। सेकेंड फ्लोर पे एक शॉप थी, आई डेंट रिमेंबर नेम, बट दिस वॉज 4 rupees 250 ओनली और मैंने इसको बहुत बार पहना है अपनी वीडियोज और फोटोज। मैं पहन रही हूँ अपने कपड़ों को मैं बहुत ज़्यादा रिपीट करती हूँ और करना चाहिए, वाई नॉट, वी हैव पेड मनी फॉर दैट पर्टिकुलर पीस एंड वी कैन रिपीट दैट। सो या सो ये इसके साथ में ये टॉप जो मैंने अपोलो से ही लिया था पितरेश्वर, ₹4.50 पितरेश्वर की जो सबसे पहली वाली शॉप थी, सेकेंड या थर्ड फ्लोर पे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर के थर्ड साइड पे वहाँ से ली थी मैंने। अभी तो पितरेश्वर की 3 or 4 शॉप्स हो गई अपोलो टावर में भी। सो यार ये भी मैंने 300 का लिया था, 300 का लिया था पितरेश्वर से और मैं दोनों को साथ में पेयर करती हूँ। इन दोनों का स्लाइटली सेम शेड है, रेड मेहरून वाला सेम शेड है, थोड़ा सा डिफरेंस है तो वह एक जंप सूट वाला लुक देता है। उसके साथ मैं इसे गोल्ड एसेसरीज वेयर कर लेती हूँ तो वो पार्टी वाला लुक देता है। मैंने इसे जब फर्स्ट टाइम इन दोनों को पेयर करके वीडियो बनाया था तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था इस लुक को। आई वोट दिस बोथ pieces together and built it up so it gives me illusion of a jumpsuit. I carry a navy blue color bag and for footwear I kept it simple. I wore this yellow flats. So next piece of clothing we're gonna style this skirt. ये मैंने लिया था सेकेंड फ्लोर पे से लिया था, हाँ, फॉर 350 आई गेस। और मैंने इसको काफ़ी टाइम मतलब ऐसे ही स्टाइल किया है फॉर पार्टी वेयर और इस स्कर्ट के साथ बूट्स और हील्स भी काफ़ी अच्छी लगी। बूट्स एंड बहुत ही अच्छा तो लुक देगा इसके साथ बूट्स विद क्रॉप टॉप और सम यू नो रियली कूल टॉप। अगर आपका स्कर्ट सिंपल है या फिर आपका बॉटम थोड़ा सिंपल और प्लेन है तो ट्राई टू एड अ पीस ऑन दैट कि जो थोड़ा यू नो ड्रामेटिक हो, जिसमें थोड़े कुछ कर्व्स हो या फिर वन शोल्डर हो, टॉप टॉप हो, कुछ न्यू हो, कुछ एक्सपेरिमेंटल हो, तो थोड़ा उसको आउट ऑफ की बॉक्स थोड़ा स्टैंड आउट करो आप। विद दिस स्कर्ट आई वोर दिस टाइनी क्रॉप टॉप एंड एडिड माई लेयर्ड नेकलेस एंड फॉर फुटवेयर आई वोर दिस हील्स, ब्लॉक काइंड ऑफ हील्स, आई हैव दैट दिस वन ब्लैक हील्स।
नेक्स्ट आउटफिट इज दिस यू नो रग्ड जीन्स. आई गॉट इट फॉर ₹650 एंड फ्रॉम दैट बेसमेंट से ऊपर फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर वाली शॉप से. इट वॉज नेम्ड एज रजा और रंजा रजा समथिंग लाइक दैट एंड वॉज फॉर ओनली ₹650. लाइक मैं जब भी इस जीन्स को पहन के आउटफिट या तो फोटो डालती हूँ, मेरे को क्वेश्चन आती है कि ये जीन्स आपने कहाँ से ली, काफ़ी अच्छी है, क्या प्राइस था इसका. और मैं ऐसे यूजुअली भी मेरी कुछ फ्रेंड्स को मेरे को जीन्स की शॉपिंग करवाने के लिए इसी जीन्स की वजह से लेकर गए कि यार वो जीन्स तेरी बहुत सही थी, मेरे को भी ऐसी चाहिए. इसमें ऐसे रग्ड है पैचेस, रग्ड पैचेस जो काफ़ी कूल सा लुक देता है. एंड ये अप एंड डाउन वाला पैटर्न है. ये भी मैंने लास्ट ईयर ली थी बिफोर दिस टॉप, तो काफ़ी अप एंड डाउन पैटर्न उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा न्यू था, बहुत ही ट्रेंड में था. सो या यू कैन स्टाइल इट विद इन मेनी वेज, लाइक टाइनी क्रॉप टॉप के साथ, ट्यूब टॉप्स के साथ, टैंक टॉप के साथ एंड शर्ट के साथ भी आप उसको अच्छे से, अगर यू नो ऐसे यहाँ से बटन डाउन करके ऐसे नोट बना के भी अच्छे से आप उसको स्टाइल कर सकते. आई वोर वन शोल्डर टॉप विद दिस जीन्स एंड एडेड माई मिनीसो वाली इयर रिंग्स विद दैट. आई कैरीड दिस सिल्वर बैग, दैट्स माई मॉम्स बैग. देन फॉर फुटवेयर आई केप्ट इट सिंपल एंड वोर दिस फ्लैट फुटवेयर्स. नेक्स्ट पीस ऑफ क्लोथिंग इज दिस येलो टाइनी टैंक टॉप और क्रॉप टॉप. इट हैज दिस कट एट द फ्रंट व्हिच मेक्स इट लुक लिटिल मोर पार्टी आउटफिट काइंड ऑफ, बट इट कैन ऑल्सो यूज कैजुअली. इट्स ऑन यू हाउ यू स्टाइल इट. आई यूजली व्हेन आई वॉन्ट इट टू स्टाइल कैजुअली आई वेयर इट विद माई यू नो फ्लेयर पैंट्स एंड ऑल, बट फॉर दिस पार्टी आउटफिट आई विल स्टाइल इट विद माई रग्ड जीन्स. This tank top I bought from Pitreshwar Apollo Tower for ₹250. Yeah, for ₹250 last year before lockdown. I went to Apollo Market before I started my IGTV and all, and I bought this one. And I can say that this is my best investment till now. I wear it every other day and wherever I'm going, I can style it. And if you follow me on Instagram, you have seen this several times in my pictures, in my videos and all. I wore these rugged jeans and you know topped it with my fanny backpack. And for footwear I added these boots that look so cool, and I added earring also. For of course it's a party look, so it should look like a party. तो इस पार्टी आउटफिट के लिए मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जो हमको जो भी पीस अच्छा लगता है फिर चाहे वो अनकंफर्टेबल हो वो हम कैरी कर लेते हैं. मैंने इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाया था, बट आई वुड से कि आप जो भी पीस कैरी कर रहे हो कुछ भी, हम हमेशा हमारे फ्रेंड्स से एडवाइस लेते हैं या हमारे रूममेट्स से एडवाइस लेते हैं कि आई शुड वेयर दिस और नॉट और इज इट टू मच एंड ऑल. सो आई वुड से कि जब आपको पूरा टोटली कंफर्टेबल लगे, टोटली ओके लगे, फिर चाहे वो आउटफिट कैसा भी हो, ज़्यादा रिविलिंग हो या कम रिविलिंग हो, बट इफ़ यू फील कंफर्टेबल देन ओनली देन यू शुड वेयर इट, ताकि आप पहन के उसको ऑल द टाइम ऐसे एडजस्ट ना करते रहो या फिर यू नो आपके साथ पहले आपको ऐसे पॉइंट आउट करे एडजस्ट. आई पर्सनली आई डोंट लाइक दैट एंड आई वुड सजेस्ट कि ओनली वेयर समथिंग that you feel comfortable in. जब आप उसमें आपको comfortable feel होगा तभी आप बहुत ज़्यादा सुंदर लगोगे और बहुत ही अच्छे से उसको कैरी कर सकते हो उसमें. और आप जब भी कोई आउटफिट पहन रहे हो, इट्स नॉट कि आप सुंदर नहीं हो या आप बहुत ज़्यादा पतले हो या आप बहुत ज़्यादा मोटे हो, इसे मतलब ऑब्वियसली दैट मैटर्स, बट ऐसा नहीं कि बस वही एक फैक्टर है. आपका अच्छा लगने में फॉर यू टू लुक मोर पुट टुगेदर, यू शुड ट्रस्ट योर सेल्फ, यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस टू कैरी आउट दैट आउटफिट. No matter whatever you are wearing, just think I'm looking so beautiful and I don't have any, you know, any sort of what we can say. We don't lack anything, you know, we don't lack any beauty standard or no, to look in a particular way. We should gain some weight or we should lose some weight. It's just, you know, just
एवरीथिंग इज इन जस्ट माइंड, बस आपके दिमाग में आपको ऐसा लगता है, क्योंकि मैं बहुत से लोगों को मैंने देखा है दे आर नॉट कम्फर्टेबल विद देमसेल्फ, मोस्टली हमारी सोसाइटी और हमारे पीपल्स अराउंड अस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बट वी शुड यू नो थ्रो दैट आउट, इट्स टाइम टू थ्रो दैट आउट एंड थिंक दैट वी आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन एंड वी कैन कैरी एनीथिंग विथ मोर कॉन्फिडेंस, विथ यू नो फुल कॉन्फिडेंस, एक्चुअली वी कैन कैरी एनीथिंग एंड वी कैन लुक आर बेस्ट. So yeah guys, that's it for today's video. I hope you really like this video. If yes, then give it a big thumbs up. Subscribe to my YouTube channel, क्योंकि आप में से 80% से भी ज़्यादा लोग जो वीडियो तो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ये अच्छा बात नहीं है. So yeah, see you in the next video.